इधर भीषण गर्मी के कारण लोग पानी की समस्या से अछूता नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेठ महीने की इस प्रचंड गर्मी में घाटशिरा के श्याम सुंदरपुर गांव में लोगों के साथ जानवर भी अब परेशान हो गए हैं। खबर यह सामने आ रही है कि पानी की तलाश में लगभग 120 की संख्या में हाथियों का झुंड विभिन्न ग्रामीण इलाकों में विचरण कर रहे हैं और पानी के लिए भटक रहे हैं। वहीं घाटशिला के इस गांव में ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिला है जहां पानी की तलाश में एक प्यासा हाथी जल मीनार के पास पहुंचा और खुद अपने सूंड से नल खोल घंटों पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई है और फिर वो वहां से चलता बना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्यासा हाथी खुद जल मीनार के पास पहुंचा, उसने खुद अपनी सूंड की मदद से नल को खोला है और जब उसकी प्यास बुझ गई तो फिर वो वहां से चला गया। तो भीषण गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही और इसका खासा असर जानवरों पर भी देखने को पड़ रहा है। दिला सौ दिला।